विद्यार्थी मित्रों, पाठ पाँच महाद्वीप और महासागर के प्रथम भाग में भूमि स्वरूप अर्थात क्या, भूमि स्वरूपों को कितने भागों में बांटा गया है और महाद्वीपों और महासागरों की लक्षणताएँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत हुआ, इसके पहले भी अनेक विद्वानों ने इस संदर्भ में, महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए थे, जिसमें स्नेडर, फिशर, टेलर, बेकन जैसे विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। पृथ्वी के भूस्तरीय इतिहास और प्राकृतिक इतिहास तथा उसकी चट्टानों में जो प्राचीन जीवों और वनस्पतियों के अश्मियों के रूप में अवशेष मिले हैं, अलग अलग महाद्वीपों के भूभागों में एक समान साम्यता वाली अश्मियाँ प्राप्त हुई हैं और इस सूचना के आधार पर से इस भी सन 1912 में एक ऐसे विचार का जन्म हुआ, आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व वर्तमान महाद्वीप भूमिखंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो जर्मन जलवायुशास्त्री, जलवायु वैज्ञानिक प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने वर्तमान महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति और उनका वितरण समझाते हुए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बारे में नीचे की आकृति दी गई, सबसे पहले आप आकृति देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस बीच सन 1912 में वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की विचारधारा प्रस्तुत की थी और उनके मतानुसार आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व महाद्वीपों और महासागर आज के स्वरूप में नहीं थे। जिस रूप में आज महाद्वीप और महासागर हैं, 20 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति उनकी नहीं थी। उस समय पृथ्वी की सतह पर एक आदि महाद्वीप था, आदि महाखंड था और यह आदि महाखंड दो जमीन समूहों में, उत्तर में लॉरेशिया लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। तो इस आदि महाखंड का नाम था पेंजिया। इसके दो भाग, उत्तरी भाग लॉरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। ये दोनों जमीन समूहों के बीच एक भूनिम्न मोड़ था, अर्थात दोनों के बीच में एक पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ समुद्र था, जिसे हम टेथिस समुद्र के टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस महाद्वीप के चारों ओर एक छिछला महासागर फैला हुआ था। उस महासागर को हम पेंथालसा के नाम से जानते हैं। पेंथालसा, आकृति में देखिए तो चारों तरफ दिखाई पड़ेगा, बीच में टेथिस सागर है और चारों तरफ जो सागर फैला हुआ है, छिछला महासागर, उसे पेंथालसा के नाम से जानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार महाद्वीपों के किनारे के आकार, उनकी संरचना, वनस्पति, जीव सृष्टि आदि के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त होती है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में भूस्वरूप विज्ञान, भू भौतिक विज्ञान, भू स्तर विज्ञान, जलवायु विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों के प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब ऊपर देखते हैं फिर से एक बार संक्षेप में कि आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एकमात्र भूखंड था, जिसे हम किस नाम जानते हैं, आदि महाद्वीप कहते हैं, जिसे जर्मन भाषा में पेंजिया के नाम से जाना जाता है। इसके दो भाग थे, उत्तरी भाग लॉरेशिया, दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहते हैं। इन दोनों भूभाग के मध्य में फैला हुआ एक सागर था, जिसे टेथिस सागर कहते हैं। अब टेथिस के उत्तर में जो लॉरेशिया भाग था,
उसमें वर्तमान समय के उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप था। दक्षिण में जो गोंडवाना लैंड था उसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका महाद्वीप स्थित है। और अभी जैसा बताया गया कि इस पेंजिया महाखंड के चारों ओर एक विशाल छिछला महासागर था जिसे पेंथालासा के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो प्रमाण इसके बारे में, विचारधारा के बारे में प्राप्त हुए हैं, आकृति आपने देखा, आकृति से स्पष्ट हो जाता है। द्वितीय जीव युग जिसको हम मेसोजोइक एरा के नाम से जानते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और अन्य शक्तियों के कारण जो पेंजिया आदि भूखंड था इसमें विखंडन हुआ। अलग पड़े हुए जो महाद्वीप हैं, जो भाग इससे अलग हुए, वो अपने नीचे के भूरस पर तैरने लगे विशाल जहाज के आकार में। और इन भूखंडों में से अलग हुए कुछ भूखंड जो हैं दक्षिण दिशा में खिसकने लगे। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से अलग होकर पश्चिम की ओर सरक गए। अफ्रीका और यूरोप विश्व वृत्त की ओर खिसक गए। और तृतीय जीव युग के दौरान ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दक्षिण दिशा में खिसकने लगे। इस प्रकार ये जो आदि महाखंड से अलग हुए और अलग अलग दिशाओं में सरकते हुए भूभाग थे, समय बीतने पर वे एक जगह पर स्थिर हुए और स्थिर होने के बाद उसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और इन भूभागों के अलग होने से उनके बीच में जो खाली जगह बची थी उसमें पानी भरने से, जलराशि एकत्रित होने से महासागर और समुद्र अस्तित्व में आए। तो इस प्रकार महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति हुई। बिग्नर महाद्वीप में बिग्नर महोदय ने ये जो अपना विचार ईस्वी सन 1912 में प्रस्तुत किया था, प्रारंभिक अवस्था में ये मूल जर्मन भाषा में था, बाद में इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। और बिग्नर महोदय के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए विचार हैं उनको स्वीकृति मिली। बिग्नर के विचारों को अमेरिका के भूस्तर वैज्ञानिक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ब्लैकेट, ध्रुवों का भ्रमण विचारधारा, हेरी हेस का समुद्रतल प्रसरण सिद्धांत, ग्रीन और गेगरी का चतुष्फलक सिद्धांत आदि सिद्धांतों के कारण बिग्नर का यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत स्वीकार किया गया। विद्यार्थी मित्रों, बिग्नर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए थे, कुछ तर्क प्रस्तुत किए थे। उन्होंने बताया था कि पेंजिया के जो विभाजित भूखंड हैं, अगर उनको पुनः व्यवस्थित किया जाए, एक दूसरे से मिलाया जाए, तो एक संपूर्ण आकृति बनकर के तैयार होती है। इसके लिए उन्होंने जिग सो फिट पहली खेल का उपयोग किया था। बिग्नर के मतानुसार अलग अलग आकार के टुकड़े अगर एक दूसरे में योग्य स्थान पर समाविष्ट किया जाए तो वो एक सुंदर आकृति तैयार हो जाती है, अर्थात वो एक दूसरे से बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं। इनके मतानुसार अटलांटिक के दोनों किनारे स्थित दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका का एक दूसरे में बराबर समाविष्ट हो जाए, ऐसा आकार बनता है। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका और ग्रीनलैंड यूरोप के साथ मिलकर एक संपूर्ण आकार बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी किनारा बंगाल की खाड़ी में बहुत व्यवस्थित ढंग से उसमें समाविष्ट हो जाता है। तो स्वेस के मतानुसार महासागरों के नीचे से लेकर समग्र पृथ्वी पर भूकवच जो बिछा हुआ है, साइमा सियाल की तुलना में अधिक ठोस माना जाता है। मध्य अफ्रीका और ब्राज़ील पठार प्रदेश एक ही प्रकार के प्राचीन कठोर आग्नेय चट्टानों से बने हैं। अटलांटिक महासागर के दोनों किनारे के प्रदेश का की भूस्तरीय संरचना एक दूसरे से मिलती जुलती है। अरब का पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का विशाल पठार भी प्राचीन आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। इसके अलावा ये जो प्रदेश हैं, इन प्रदेशों की जो हिमस्मियाँ हैं उनमें भी समानता देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में अगर हम उत्तरी अमेरिका के बारे में देखें तो उत्तरी अमेरिका के एपलेशियन पर्वतमाला और पश्चिमी यूरोप तथा ब्रिटिश टापुओं के पर्वतीय क्षेत्रों में एक ही युग में निर्मित कोयले प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अटलांटिक महासागर के दोनों किनारे के प्रदेशों में जो प्राचीन वनस्पतियाँ या जीव जंतुओं की अस्मियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें भी समानता देखने को मिलती है। कुछ पशु पक्षी भी सदियों के बीच जाने के बाद भी अपने मूल वतन
पर स्थानांतरण करते हैं, जैसे उत्तर स्कैंडिनेविया के चूहे एवं अन्य सरीसृप पश्चिम दिशा में अपने पूर्वजों की भूमि आइसलैंड की ओर स्थानांतरण करते हैं। आइसलैंड के कुछ प्राणी उत्तरी स्कैंडिनेविया के प्राणियों से मिलते जुलते हैं। उपर्युक्त बातें, ये सारी बातें जो हैं वो बिग्नर के मानवीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करती हैं, सिद्ध करने में सहायक बनती हैं। इसी प्रकार समुद्र तल प्रसरण और भूतत्व संचलन विचारधारा के कारण भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत विचारधारा को काफ़ी महत्व प्राप्त होता है। इसके बाद भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के सामने कुछ प्रश्न विचाराधीन हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद ये तो आपने बिग्नर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के बारे में और उससे प्रमाणित जो तर्क थे उसके बारे में अध्ययन किया। अब इसके बाद में प्लेट विवर्तनिकी, भूतत्वीय विचारधारा और भारतीय प्लेटों के बारे में चर्चा अगले भाग में की जाएगी। धन्यवाद।